What's up everyone, welcome back to the channel. तो अब हम डिस्कस करेंगे वो एक चैप्टर जिसने सभी बच्चों को परेशान किया हुआ है और बच्चे सबसे ज्यादा डरे हुए भी हैं इसी चैप्टर के साथ. तो यार देखो, मेरा काम है तुम लोगों के लिए चीजें आसान बनाना और मैं आता हूँ हमेशा तुम्हारे सामने वही चीजें लेके जो मैंने काफी सालों के एक्सपीरियंस में सीखी हैं. तो आज मैं तुम लोग के सामने इशू ऑफ शेयर्स एक ऐसे मैनर में प्रेजेंट करूंगा जिससे आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा और आपके कंप्लीट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. तो चलिए जल्दी से इशू ऑफ शेयर्स शुरू करते हैं और देखते हैं कितने कम से कम समय में हम इस कंप्लीट चैप्टर्स को पूरा कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. तो चलो यार शुरू करो जल्दी से, ध्यान से मेरे साथ साथ समझना. इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है? अब देखो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि तुम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक चीजें इसमें पढ़ी भी होंगी, बट अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई चक्कर नहीं है यार. देखो काम शुरू करता हूं मैं. अब एक कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? देखो कंपनी शेयर इशू करती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, और जो भी कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी का ऑनर बन जाता है, ठीक है, मालिक बन जाता है. पब्लिक शेयर्स खरीदती है कंपनी. क्या करती है, सपोज कंपनी को 1 करोड़ रुपीस चाहिए. सपोज कंपनी को कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़, ठीक है. अब कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो एक इंसान से तो नहीं लेगी. कंपनी क्या करती है, इस पर्टिकुलर अमाउंट को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ देती है. सपोज कंपनी ने बोला कि हमने क्या कर दिए हैं जी, 1 लाख शेयर्स कर दिए हैं, और कितने का, एक है 100 रुपीज का. इसके 1 लाख टुकड़े कर दिए, 100 रुपीज का एक हो गया, इसको हमने शेयर बोला. कितने शेयर्स हुए, यहाँ पे ध्यान से देखो कितने शेयर्स हुए, 1 लाख शेयर्स, और कितने रुपए का एक हो गया, अमाउंट कितना हो गया, शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 100 रुपीज, ठीक है. कंपनी ये 100 रुपीज कभी भी एक पार्ट में नहीं लेगी, कंपनी ये 100 रुपीज तोड़ तोड़ के लेगी. जैसा कंपनी इसको लेगी, सबसे पहले सपोज जनवरी में 20 रुपीज, फिर फेब में 30 रुपीज, फिर मार्च में, ऐसे आगे ले सकती है कंपनी, ठीक है. अब मार्च में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर 30 और फिर 20, ठीक है. सपोज ऐसे ऐसे ले लिया. इसको जो सबसे पहले आता है इसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, जो इसके बाद आता है इसको अलॉटमेंट बोलते हैं, इसके बाद आपकी कॉल्स होती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे कॉल्स बोलते हैं इन्हें. इसको बोल दिया फर्स्ट कॉल, ये हो गया सेकंड, और जो लास्ट होगी उसको फाइनल कॉल बोलना है, ठीक है. सेकंड को बोल देते हैं फाइनल कॉल. तो शेयर्स इस तरीके से कंपनी पैसा मांगती है, ओके. अब ये पैसा रिसीव करने की हमारे पास टोटल 8 एंट्रीज होती हैं. एंट्रीज आपने करी होंगी, अगर नहीं करी तो अब याद कर लेना, ठीक है. सबसे पहले की 2 एंट्रीज, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये हमारे पास एप्लीकेशन के लिए होती है. अब देखो कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 20, सिर्फ 20 रुपीज पैसा चाहिए मुझे 1 लाख × 100, लेकिन एप्लीकेशन अभी सिर्फ 20 रुपीज का, थोड़ा थोड़ा करके लेना है ना, जनवरी में इतने, फेब में इतने, मार्च में इतने, अप्रैल में इतने, तो 1 लाख × 20 रुपीज यहाँ पे आपके पास 20 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है. 20 लाख रुपीज यहाँ पे एंट्री बन जाती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 20 लाख आ गए. अब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी, यानी नेक्स्ट मंथ, इसको अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक है. मैंने वैसे ये वीडियोस में बहुत डिटेल में भी कवर करा है, बट अभी एग्जाम है तो आपको इतना सब साथ साथ लेके चलो, मार्क्स बन जाएंगे. शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमारे पास अगली एंट्री होती है. अब क्या होगा जी, 1 लाख × 30 कितना बन जाएगा, 30 लाख, ठीक हो गया. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देन अलॉटमेंट रिसीव होता है. अब देखो दोनों एंट्रीज में क्या डिफरेंस है. देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले चीजें आसान होती है कंपनी के लिए. कंपनी बस मार्केट में ऑफर कर देती है कि यार हमारे पास इतने शेयर्स हैं, ये 1 लाख शेयर्स हैं, अब जिस जिस को भी खरीदने हैं वो हमारे पास आओ अपना ऑफर लेके, जिसको भी ये शेयर्स खरीदने हैं वो हमारे पास ये ऑफर लेके आ जाओ. अब 1 लाख लोगों को ये शेयर्स दे रहे हैं तो पता तो नहीं होता कितने बिकेंगे, ज्यादा भी बिक सकते हैं, कम भी बिक सकते हैं. तो एप्लीकेशन का ना पहले पैसा आ जाता है, मतलब जिन्हें भी चाहिए वो अपना अपना पैसा भेज देते हैं. सपोज मुझे 1 शेयर लेना है तो मैं बस 100 रुपीज भेज दूंगा, आपको 2 लेने आप 200 भेज दोगे, ऐसा करते 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 लोग पैसा भेज देते हैं. तो एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव होता है, उसके बाद फिर हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. बेसिकली है ये कैपिटल ही
है तो कैपिटल ही, बिजनेस में पैसा लग रहा है। लेकिन अब जब आपको क्लैरिफाई होगा कि हाँ इन इन लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे हैं, फिर उन्हें सपना तो नहीं आएगा पैसा कब भेजना है, तो फिर आप पैसा मांगते हो। अलॉटमेंट में पहले मांगोगे फिर मिलेगा, यहाँ पे पहले मांगोगे फिर मिलेगा, मांगोगे फिर मिलेगा, एप्लीकेशन में पहले मिल जाता है फिर ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। देखो जी, अलॉटमेंट पहले मांग लिया, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, ऐसे ही आप फर्स्ट कॉल मांग लो जल्दी से, बिल्कुल सेम। क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कॉल मांग लो, शेयर सेकंड एंड फाइनल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। 1,00,000 × 30, 1,00,000 × 20, 1,00,000 × 30 यहाँ, 30 लाख, और 1,00,000 × 20 यहाँ, 20 लाख। तो ये 8 एंट्रीज हो जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट डन, ठीक है। अब कंपनी का क्या होता है, कई बार कुछ कंपनीज की ना रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, कुछ कंपनीज की रेपुटेशन बहुत बढ़िया होती है, एकदम जबरदस्त, उनका शेयर लेने के लिए लोग टूट पड़ते हैं कि शेयर आए 1 लाख, लोग आ गए 50 लाख कि हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए। तो ये कंपनीज कभी भी अपना शेयर ना 100 वाला 100 में नहीं देंगी, ये कंपनी बोलेगी कि हमारा शेयर है तो 100 रुपीज का, लेकिन हम देंगे 120 में, 130 में, 140 में, यानी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में देते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम, एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो सपोज हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं और कंपनी ने बोला 100 वाला 20 रुपीज एक्स्ट्रा में देंगे, यानी 100 वाला 120 में देंगे, तो इस सिनेरियो में कंपनी क्या करती है, इस 20 रुपीज को कहां पे लेगी। देखो, या तो क्वेश्चन बताएगा, अगर नहीं बताए तो अलॉटमेंट पे ले लेना, ठीक है। सपोज ऐसे ही था 20, 30, 30, 20, अब हुआ क्या जी, कंपनी ने ये यहां पे लेने हैं, ठीक है। तो बेसिकली बाकी सब सेम है, अलॉटमेंट की एंट्री में ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा लेने हैं, ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री होती है, याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये कंपनी का फायदा है, ये कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है, और जितने भी इनकम्स गेन्स होते हैं वो सब क्रेडिट हो जाती है कंपनी के लिए, ठीक है, सब कंपनी के क्रेडिट हो जाते हैं। तो नॉर्मल एंट्री क्या थी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये नॉर्मल एंट्री थी। कि मैं अभी तक क्या कह रहा था, जितने भी शेयर्स हैं उसमें 30 रुपीज में मांग रहा था, लेकिन अब मैं कितने मांगने वाला हूं, अब मैं कहूंगा 20 और चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको किस नाम से दिखाना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, 20 रुपीज ये, तो टोटल मुझे 50 रुपीज चाहिए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे मैं कितने रुपीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 50 रुपीज, कितने शेयर से मल्टीप्लाई करो, जितने शेयर्स हैं 1 लाख शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और यहाँ पे कितना रिसीव होगा, पूरा 50 रिसीव होगा, वहाँ पे 30 हो रहा था, बस ये 20 रुपीज यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रेडिट करने हैं। पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा होता है तो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है सर, देखो शेयर इशू डेट पार बता दिया, शेयर इशू डेट प्रीमियम बता दिया, क्या सर कंपनी 100 वाला 80 में भी दे सकती है, नहीं दे सकती, दिस इज प्रोहिबिटेड, कोई भी 100 वाला शेयर उससे कम वैल्यू पे कंपनी इशू नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट होता है, नए कॉन्सेप्ट में क्या होता है भाई, सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में ऑफर करे, 1 लाख शेयर्स 100 रुपीज का एक, 20, 20, 20 और 40 ऐसे, ठीक है, ऑफर कर दिए। कंपनी बहुत बढ़िया थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, तो ज्यादा लोग लेने के लिए आ गए, बहुत सारे लोग लेने के लिए आ गए, ठीक है। अब सपोज आप मानो कि 3 लोग आ गए, एज्यूम कर लो, ठीक है, ये चलो मैं एज्यूम भी बाद में करवाऊंगा, ज्यादा लोग लेने के लिए आ गए, कितने लोग लेने के लिए आ गए, 1 लाख की जगह 5 लाख लोग लेने के लिए आ गए, हमारे पास एप्लीकेशन 5 लाख का आ गया, मेरे पास शेयर्स बस 1 लाख हैं, और लोगों को कितने चाहिए, 5 लाख चाहिए। इस तरीके से जैसे जैकेट हो, जैकेट मेरे पास 1 लाख है बेचने के लिए, लेकिन डिमांड कितनी आ रही है, 5 लाख की, जब मेरे पास है ही 1 लाख तो मैं 5 लाख तो नहीं दे सकता। जब ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आती है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कम के लिए आती है तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। सपोज मैं 1 लाख बेचना चाह रहा था और बिकी बस 90,000, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कम से कम कितने शेयर बिकने चाहिए, अंडर सब्सक्रिप्शन का हमारे पास एक लिमिट है कि कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट होना चाहिए,
90% होना चाहिए, नहीं तो आप शेयर इशू नहीं कर पाओगे। एक नंबर के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी शेयर इशू करना हो तो मिनिमम 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। जैसे 1,00,000 अगर बेचने हैं तो 90,000 आनी ही चाहिए। सपोज 85,000 आई तो सभी का पैसा वापस कर दो, एक भी किसी को नहीं दे पाओगे, ठीक है। अच्छा चलो, वो तो केस सिंपल है भाई, 90,000 आ गया तो 90,000 से कर देना। दिक्कत आती है यहां, अब यहां क्या करें सर, ये 1,00,000 शेयर्स हमारे पास हैं और 5,00,000 लोग लेने के लिए आ गए, तो कंपनी को यहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं जिससे सबको डर लगता है? सर एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? अरे बाबा, प्रोराटा। एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोराटा। डरना नहीं है, बड़ा आसान है, देखो अभी आ जाएगा तुम लोग को करना। प्रोराटा का मतलब होता है कि हमारे पास एडजस्टमेंट हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? क्वेश्चन तुम्हें कैटेगरी देगा, जैसे क्वेश्चन ने बोला कि कंपनी ने सबसे पहले 1,00,000 तो कर दिए, सपोज 2,00,000 कर दिए रिजेक्ट, 5,00,000 में से कितने रिजेक्ट कर दिए? 2,00,000। तो कंपनी बोलेगी देखो यार, हमारे पास जो डिमांड आई है वो 5,00,000 की आई है, लेकिन हमें कितने शेयर देने हैं? मैक्सिमम 1,00,000। तो कंपनी कैसे देगी? वहां पे लिखा होगा 2,00,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 2,00,000 जो हमारे पास, सपोज इसका नाम मान लेना कि ये चिंटू है, चिंटू ने कहा था मुझे 2,00,000 शेयर दे दो, चिंटू को हमने कुछ भी नहीं दिया, निल, कुछ भी नहीं। जितनी कैटेगरी बनेगी ना उतने नाम मान लेना तुम लोग, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक चिंटी आ गई, चिंटी ने बोला मुझे चाहिए 3,00,000। अब लिखा होगा रिमेनिंग वर प्रोवाइडेड एज प्रोराटा, बाकी प्रोवाइड कर दिए गए एज प्रोराटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चिंटी ने बोला मुझे 3,00,000 दे दो, हमने चिंटी को कहा देखो भाई 3,00,000 तो नहीं है हमारे पास, कितने हैं? 1,00,000 है। अगर आप हमारे से 3,00,000 शेयर्स मांग रहे हो तो हम आपको कितने दे सकते हैं? 1,00,000 शेयर्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे ना बच्चों, सीधा सीधा आप लोग को पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये कैटेगरी कैसे बनाई जाती है। कंपनी के पास कितनी की एप्लीकेशन आई? 5,00,000 की। हमने कितने देने हैं? 1,00,000। पहले 2,00,000 को निल कर दिया, जो निल है वहां तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसका तो पैसा ही वापस हो जाएगा हाथों हाथ, इसका पैसा क्या हो गया? वापस, ये तो हो गया रिफंड, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे 3,00,000 वालों को 1,00,000 दिए, यानी अगर चिंटी 3,00,000 शेयर, देखो मैं यहां पे लिखता हूं और अच्छे से समझाने के लिए, चिंटी अगर अप्लाई करती है 3,00,000 शेयर तो चिंटी को अलॉट कितने होते हैं? अलॉट का मतलब कितने मिलते हैं? 1,00,000। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर 0 से 0 हटा दूं कि चिंटी अगर 3 शेयर मांग रही है तो उसको 1 शेयर मिल रहा है? फॉर एवरी 3 शेयर्स शी इज बीन प्रोवाइडेड 1 शेयर। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? यही प्रोराटा होता है, प्रोपोर्शनेट देना, कि आपने 3 मांगे तो आपको 1 दे दिया। अब आपको क्या बोलेगा एग्जाम में? ऐसा हेडिंग बनाएगा, सिस्टम बनाएगा, और सिस्टम बना के बोलेगा कि अगर एक शेयर होल्डर जिसने 200 शेयर मांगे थे उसको कितने मिलेंगे जी, ऐसा बोलेगा कि एक शेयर होल्डर जिसने 300 शेयर मांगे तो उसको कितना मिलेगा, एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने 600 शेयर मांगे तो उसको कितना मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपली ये रेशियो निकाल लिया ना, अब इसके आगे रख दो अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, ये रेशियो निकाल दिया। सपोज लिखा है कि उसने 600 मांगे तो कितना मिलेगा, यहां पे 600 लिख दो, यहां पे लिख दो अलॉटेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 अलॉटेड इज इक्वल टू 600, अलॉटेड इज इक्वल टू 600 अपॉन 3, 200 मिलेंगे। देखो अगर आपने 600 मांगे तो 200 मिलेंगे, हो गया ना फिर से 3:1 हो गया, नहीं हो गया। ऐसा ही आपसे पूछेगा कि एक शेयर होल्डर को 100 अलॉट हुए तो उसने अप्लाई कितने के लिए करा, तो आपको पता था सर रेशो तो 3:1 था, अब इसने अप्लाई कितने के लिए करा हमें पता नहीं, अलॉट कितने हुए इसको 100 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अप्लाइड निकल के आ गया 300। अगर इसने 300 के लिए अप्लाई करा होगा इसको 100 मिल गए, फिर आ गया 3:1, आ गया ना प्रोराटा, इसी को प्रोराटा बोलते हैं। समझ में आया? तो पहली चीज मैंने आपको प्रोराटा का मतलब समझा दिया, दूसरी चीज अप्लाइड और अलॉटेड कैसे निकालनी है ये समझा दिया। याद रखना कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट आए तो आपको पता होना चाहिए कि कितने अप्लाई और कितने अलॉटेड, ठीक है। अच्छा अब सर यहां पे हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? चिंटू के तो पैसे वापस कर दिए, ठीक है, चिंटी को कम शेयर मिले हैं तो इसको कैसे दिखाऊंगा? देखो करना सीखो, एंट्री करना सीखो फटाफट से मेरे साथ साथ। सबसे पहली एंट्री होती है पैसा आने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आई? 5,00,000 की, तो 5,00,000 पे एप्लीकेशन की अमाउंट थी 20,
5 लाख पे 20, 5 लाख इंटू 20 कितना बन जाएगा हमारे पास, 5 लाख इंटू 20 1 करोड़ हमारे पास बन गया, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में हम लोग क्या रखते हैं, कैपिटल में हम वो अमाउंट रखते हैं जो आपने एक्चुअल में आपको पैसा चाहिए था, याद रखना जितना आपको एक्चुअल में चाहिए था। मुझे एक्चुअल में चाहिए था कितना, 1 लाख शेयर पे कितने रुपीज, 20 रुपीज, 1 लाख शेयर पे 20 रुपीज। तो 1 लाख इंटू 20, मुझे तो 20 लाख रुपीज चाहिए थे। 1 लाख इंटू 20 हमें तो कितने चाहिए थे, 20 लाख रुपीज हमें चाहिए थे। अभी हमारे पास आए कितने हुए हैं, 1 करोड़। अब क्या करा, चिंटू के तो वापस कर दिए, जो वापस कर दिया, देखो जब आया था तो बैंक डेबिट हुआ था, जैसे ही वापस करे तो बैंक क्रेडिट होता है, वापस करे तो बैंक क्रेडिट। चिंटू के पास कितने शेयर्स थे, चिंटू के पास थे 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 20 हमने ये इसके 20 into 2 40 लाख तो कर दिए वापस। अभी चिंटी ने कितना पैसा मांगा था, सॉरी चिंटी ने कितने शेयर्स मांगे थे, चिंटी ने मांगे थे 3 लाख शेयर। तो चिंटी ने कितना पैसा भेजा होगा आपको, चिंटी ने मांगे कितने थे 3 लाख, तो चिंटी ने बोला कि देखो मेरे 3 लाख और मैं एप्लीकेशन भेज रही हूँ 20 रुपीज के हिसाब से, यानी कि मैं आपको 60 लाख रुपीज सेंड कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन हमने बोला वी आर रियली सॉरी चिंटी, हम आपको सिर्फ कितने शेयर्स दे सकते हैं, 1 लाख दे सकते हैं। तो अभी हमें आपसे कितना पैसा चाहिए, हमें चाहिए बस 20 लाख रुपीज। तो चिंटी ने बोला चलो कोई बात नहीं, 40 लाख रुपीज आप मेरे और रख लो, फिलहाल 40 लाख रुपीज मेरे एक्स्ट्रा हो गए आपके पास, 40 लाख रुपीज मेरे आपके पास क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो आप, मैं अगली बारी कम दे दूंगी 40 लाख रुपीज, आप मेरे से अगले महीने भी तो पैसा लेने के लिए आओगे, मुझे 1 लाख शेयर तो आपने दिए ही हैं। अभी आप नेक्स्ट मंथ में मेरे पास आओगे कि 1 लाख पे 20 रुपीज और दे दो, तो मेरे कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रहने दो, ये पैसा अपने पास ही रख लो। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपसे कितना लेना है, हमने 1 लाख इंटू 20 हमें 20 लाख रुपीज आपसे और लेने हैं। तो बोलेगी इसमें से एडजस्ट कर लेना, हम इसमें से 20 एडजस्ट कर लेंगे तो चिंटी हमें कुछ भी नहीं देगी अगली कॉल पे, अलॉटमेंट पे कुछ भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि उसका पैसा तो पहले से है हमारे पास, है ना। तो इस 40 लाख में से कितना एडजस्ट हो गया अगली कॉल पे, 20। सर 20 ही क्यों हुआ, पूरा 40 क्यों नहीं हो पाया, देखो यार चिंटी को हमने 1 लाख शेयर दिए थे और अलॉटमेंट कितने रुपीज का था, 20 रुपीज का, तो 1 लाख इंटू 20 उससे कितना पैसा चाहिए आपको, 20 लाख ही तो चाहिए, तो 40 में से 20 यहाँ एडजस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद सर इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिख दो कि ये पैसा चिंटी का आ गया शेयर अलॉटमेंट के नाम का, कितना 20 लाख। सर चिंटी का तो अभी और पैसा भी बचा, कितना पैसा बच गया, देखो उसका कितना एक्स्ट्रा था, उसका एक्स्ट्रा था 40 में से 20 एडजस्ट हो गया, तो कितना बचा, 20 लाख और बचा। सर इस 20 का क्या करना है, क्या हम इसको अगली कॉल पे ले जाए, भाई अगली कॉल पे भी तो पैसा लेना है, अगली कॉल पे कितना लेना है, फर्स्ट कॉल पे नेक्स्ट मंथ 20 रुपीज और लेने हैं। चिंटी तो ऐसे ही बोल रही थी कि 1 लाख इंटू 20 आप फिर आओगे 20 लाख लेने के लिए, तो मैं ये भी नहीं भेजूंगी, आप ये यहीं पे एडजस्ट कर देना 20 लाख रुपीज। तो आपको याद रखना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आता है वो आप मैक्सिमम कहां तक एडजस्ट कर सकते हो, अलॉटमेंट तक, उसके बाद आप एडजस्ट नहीं करोगे, अलॉटमेंट के बाद आप एडजस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो 20 अभी भी बच गया है ये हमें वापस करना पड़ेगा, वापस करने के लिए बैंक क्रेडिट करना पड़ता है, वो क्रेडिट करा ही हुआ है, तो 40 में 20 लाख आप और जोड़ दोगे चिंटी वाले, तो टोटल पैसा कितना वापस होगा, यहाँ पे 60 लाख वापस हो जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसको ध्यान से देखना। 1 करोड़ रुपीज टोटल आए थे, मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए थे, मुझे तो बस 20 लाख चाहिए थे, 1 लाख पे 20, एप्लीकेशन इतना ज्यादा आ गया 5 लाख पे, एक को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वापस भेज दिया चिंटू को, इसको बोला आपने 2 लाख पे 20 रुपीज के हिसाब से 40 लाख तो आप वापस ले जाओ। चिंटी के हमने एक्स्ट्रा एडजस्ट करे, ये चिंटी के कितने थे, इसने मांगे थे 3 लाख शेयर्स, इसको दिए 1 लाख, तो इसने 3 लाख पे 20 के हिसाब से 60 लाख भेजे, हमें कितने चाहिए थे इसके, 1 लाख पे 20 के हिसाब से 20 लाख, तो इसका 40 लाख एक्स्ट्रा था। ये जो 40 लाख एक्स्ट्रा है इसे एडजस्ट करने की कोशिश करी गई। अब ब्लाइंडली एडजस्ट नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट कॉल पे कितना लेना है, नेक्स्ट कॉल पे इसके 1 लाख शेयर्स पे 20 रुपीज ही लेने थे, तो 20 लाख
एक्स्ट्रा था 40 में से 20 एडजस्ट हुआ, बस यहीं तक एडजस्ट हो सकता है, अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होता है, उसके बाद एडजस्ट नहीं होगा जब तक क्वेश्चन नहीं बोल रहा, इसके बाद सीधा वापस, ठीक है। तो 20 लाख इसके वापस कर दिए। अब देखो अब क्या होगा, अब हमारे पास शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप अलॉटमेंट मांग रहे हो, अब तो आप सब एडजस्ट कर चुके हो, बस आप अपने 1 लाख शेयर पे 20 रुपीज के हिसाब से 20 लाख रुपीज मांग रहे हो, 20 लाख मांग रहे हो। आपके शेयर होल्डर कौन थे, देखो 5 लाख को 1 लाख दिए थे, ये तो वापस कर दिया, तो ये तो बात ही खत्म, इससे तो पैसा लेना ही नहीं है। इनका पैसा ऑलरेडी आ चुका था अलॉटमेंट पे, ऑलरेडी अलॉटमेंट पे पैसा आ चुका था, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री ही नहीं करोगे। मतलब अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनता तो मैं यहाँ पे करता कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देखो ये शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करता ना, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो शेयर अलॉटमेंट का पैसा है ये तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आ चुका है, देखो टू शेयर अलॉटमेंट आ चुका है ना हमारे पास ये पैसा, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी क्योंकि चिंटी ऑलरेडी अपने 20 लाख दे चुकी है, ठीक है। बस अब सिंपल आपको फर्स्ट कॉल मांगना है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ओके। किस तरीके से सर, यहाँ पे बस 1 लाख इंटू 20, पूरा पैसा मांगो पूरा पैसा मिलेगा, ऐसे ही शेयर सेकंड कॉल, फर्स्ट की जगह सेकंड कर देना, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, 1 लाख इंटू सेकंड कॉल कितने का है 40, पूरा पैसा मांगो पूरा पैसा मिल गया। तो ये होता है हमारे पास प्रोराटा वाला क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा चिंता मत करो। तो सर आएगा कैसा, आओ सिखाएंगे आपको आएगा कैसा, कैसा आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा ऐसा कि एक कंपनी के, कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर्स 10 रुपीज का एक, कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर्स 10 रुपीज का एक, कैसे कैसे 3, 2, 2, 3। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 10,000 की जगह 20,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, 20,000 की जगह 10 की जगह कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई 20 की। कंपनी ने क्या करना पड़ेगा, आप 20,000 को किसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कंपनी ने सारा ही प्रोराटा कर दिया, सारा ही क्या कर दिया, प्रोराटा कर दिया, सारा प्रोराटा कर दिया। अब अगर सारा प्रोराटा कर दिया तो 20 वालों को ही 10 दे दिए, इसका नाम चिंटू रख दो, सपोज एक ही शेयर होल्डर है, इसका नाम क्या है चिंटू, चिंटू ने बोला मुझे 20,000 शेयर चाहिए, हमने कहा नहीं 20 तो नहीं दे पाएंगे 10 दे पाएंगे, 2:1 हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सपोज अप्लाइड अपॉन अलॉटेड का रेशियो पता लग गया आपको, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इज 2:1। इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले कि एक शेयर होल्डर इसी में से, सपोज वैसे ही हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ कि एक शेयर होल्डर है चिंटू का छोटा भाई, उसने 500 शेयर मांगे थे, अप्लाई करा था 500, तो उसको कितने मिलेंगे, देखो 2:1 है तो 500 का हाफ 250, आप बोलोगे 250 मिलेंगे, नहीं आया अगर ओरली तो यहाँ पे रख लेना 500 अलॉटेड निकाल देना। सपोज ऐसा लिखा होगा कि एक शेयर होल्डर को 400 मिले तो उसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा, तो 400 मिले तो उसको यहाँ रख देना 400 को, यहाँ से अप्लाइड निकाल लेना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताओ यहाँ से कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा ट्रांसफर होगा, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर होगा, तो मैं बोलूंगा यार ठीक है सबसे पहले एंट्री में क्या करता हूँ, अच्छा अगर मैं देखूँ तो इसने 20,000 पे 3 रुपीज के हिसाब से, 20,000 पे 3 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज भेजे होंगे, हमें कितने चाहिए 10,000 पे 3 रुपीज के हिसाब से 30,000, तो इसका कितना पैसा एक्स्ट्रा है जल्दी से चेक करो, कितना एक्स्ट्रा है 30,000, ये एक्स्ट्रा है, ये 30,000 रुपीज इसका एक्स्ट्रा है, तो ये जो 30,000 एक्स्ट्रा है ये हम आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है आगे ट्रांसफर करते हैं, ओके। अच्छा कैसे ट्रांसफर करते हैं, अब अलॉटमेंट पे, अब आप इससे जिसको आपने 10,000 दिए हैं कितना पैसा चाहिए अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, हमें चाहिए 20,000 रुपीज, एक्स्ट्रा कितना है 30,000, तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट होगा 20,000 एडजस्ट हो जाएगा, ये अलॉटमेंट पे कुछ नहीं देगा, और 10,000 इसका क्या करना पड़ेगा रिफंड करना पड़ेगा, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा याद रखना। आपको बोलेगा कि अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर होगा, तो आप बोलोगे अलॉटमेंट पे ट्रांसफर 30 नहीं होगा, वहां ऑप्शन में 30 भी दिया होगा, आप बोलोगे 30 नहीं, कितना ट्रांसफर होगा 20, क्यों, क्योंकि लेना ही 20 है यार इससे, और आपसे पूछ ले कि रिफंड कितना होगा, तो आप बोलोगे 10,000 रिफंड होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी सर एक क्वेश्चन और करा दो ऐसा जल्दी से फटाफट से, देखो कंपनी ने इशू करे 1,000 शेयर्स 10 रुपीज का एक 4, 2, 2, 2,
ऐसे पैसा लेना था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। हुआ क्या, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 4000 शेयर्स के लिए, 4000 को 1000 देना है। अब कंपनी ने 2000 को तो कुछ नहीं दिया, 2000 को तो रिजेक्ट कर दिया, कुछ नहीं दिया, तो सर फिर बाकी प्रोराटा कर दिया, यानी 2000 को 1000 दे दिया। तो ये जो चिंटू है इसे बोला बेटा वापस चले जाओ, चिंटी जो है इसको बोला ठीक है अगर आप 2000 मांगते हो तो आपको हम 1000 दे देंगे। ओके, अब देखते हैं कि चिंटी ने, अब ये तो वापिस ही कर देना है तो इसकी तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो आप 2000 × 4 वापिस कर दोगे। देखो आपके पास एप्लीकेशन आया होगा, एप्लीकेशन 4000 के लिए आया, तो 4000 × 4 आपके पास 16000 रुपीज आए। मैंने इसको बोल दिया कि दो लोग हो गए, दो कैटेगरी हो गई ना, ये एक ने भेजे होंगे 2000 × 4 यानी कि 8000, दूसरे ने भी भेजे होंगे 2000 × 4 यानी कि 8000। ये चिंटू के हैं, ये तो हम रिफंड कर देंगे। चलो सर 16 में से 8 तो हमने रिफंड कर दिए, अब हमारे पास कितने बचे, 8 बचे। तो जो चिंटी है, चिंटी से हमें कितना पैसा चाहिए था, हमें पैसा चाहिए था 1000 शेयर पे, 1000 × 4 हमें चाहिए था 4000, इसने दिया कितना है, 1000 × इसने दिया है 2000 के हिसाब से, 2000 × 4 8000, तो इसका कितना एक्स्ट्रा हुआ, 4000 इसका एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना, इसका यहाँ पे 4000 एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें कितने चाहिए थे 4000। सर अलॉटमेंट पे क्या कुछ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है इससे, अलॉटमेंट पे लेना है हमने इससे 1000 पे, इसके 1000 पे 2 रुपीज, तो 1000 पे 2 रुपीज यानी हमें 2000 चाहिए, इस 4000 में से 2000 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, और बाकी जो 2000 बचा 4000 में से कुछ यहाँ एडजस्ट हो गया, जो बाकी बचा ये क्या होगा, रिफंड, ये वापस हो, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ कर लो, सीख लो इस चीज़ को, ओके कैसे एडजस्ट होता है। अच्छा अब सर कुछ और क्वेश्चन आओ जी, एक क्वेश्चन और देखो, अब एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब क्या होता है, जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सर, देखो चलो फटाफट से समझो, सपोज मैंने 1000 शेयर इशू करे 10 रुपए का, 1 3 2 3 2 ऐसा 3 2 3 2, ओके। इस 1000 में एक शेयर होल्डर था चिंटू और इसके पास 200 शेयर थे, कितने शेयर थे इसके पास, 200 शेयर थे। इसने जनवरी में तो पैसा दे दिया आपने 3 रुपीज, फेब में भी दे दिया, मार्च में नहीं दे पाया और अप्रैल में भी नहीं दे पाया, जैन में दे दिया, फेब में दे दिया, मार्च में नहीं दे पाया और अप्रैल में भी नहीं दे पाया। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से दो चीज़ें पूछ सकता है, पहली चीज़ तो ये पूछेगा कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, ठीक है। तो देखो इस ये जो 1000 है इसमें 200 तो चिंटू हो गया, बाकी कितने बच गए, 800, भाई टोटल 1000 थे ना, 1000 में से 200 चिंटू के पास है, बाकी लोगों के पास 800 होंगे, बाकी कौन है उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने तो सारा पैसा दिया है, उन्होंने तो सारा पैसा दिया है। तो मुझे बताओ सबसे पहला सवाल कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया होगा, भाई एप्लीकेशन तो इसने भी दे दी, इसने भी दे दी, यानी टोटल 1000 पे पूरे 3 आ गए, तो 1000 × 3 एप्लीकेशन पे पूरे 3000 रिसीव हो जाएंगे, पूरे 3000 रिसीव हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अलॉटमेंट पे कितना मिला, तो अलॉटमेंट पे चिंटू ने भी दिया और बाकियों ने भी दे दिया, तो 1000 × 2 2000 लेने थे ये भी मिल गए। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ यानी कितना पैसा नहीं मिला और कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो मुझे 1000 पे 3 रुपीज लेने थे, 1000 पे 3 रुपीज लेने थे, ये दोनों है ना, दो लोग है ना, चिंटू अलग और बाकी अलग, तो मुझे 1000 पे 3 रुपीज लेने थे, कितने, 3000। किसने नहीं दिया ये पैसा, ये पैसा चिंटू ने नहीं दिया, चिंटू के पास कितने शेयर हैं, 200, 200 पे 3 का एरियर हुआ या नहीं हुआ, भाई 800 पे 3 तो मिले हैं, किसने नहीं दिया, इसने 200 पे 3, तो एरियर कितना है, एरियर है सर 200 पे 3 600 रुपीज का, 600 का अगर एरियर हो गया तो रिसीव कितना हुआ, जल्दी से बताओ, 3000 − 600 2400 रिसीव हुआ, 2400 आप यहाँ पे रिसीव कर लो, इस कॉल पे हमें 2400 मिला। तो दो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि कितना एरियर है या कितना रिसीव है, तो एरियर है ये जो चिंटू ने नहीं दिया, और रिसीव कितना है बाकी बचा हुआ, 800 पे 3
2400 या तो ऐसे निकाल सकते हो या ऐसे टोटल में से एरियर माइनस कर लो। सेम क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि यहाँ पे कितना रिसीव है और कितना एरियर है यहाँ पे, तो देखो टोटल 1000 पे फिर से 2 रुपीज लेने हैं, 1000 पे कितने लेने हैं 2, यानी कि 2000 रुपीज लेने हैं। चिंटू ने नहीं दिए, चिंटू के पास कितने थे 200 पे 2, तो चिंटू ने 400 नहीं दिए, तो रिसीव कितना हुआ 1600 हो गया, नहीं हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 400 नहीं मिले और 1600 मिल गए, 1600 मिल गए। अब आपसे ये भी पूछ लेता है कई बार कि टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, टोटल के लिए बस इसका टोटल कर देना, 3000, 2000, 2400 और 1600, 9000 हमें टोटल रिसीव हो जाएंगे। टोटल रिसीव कितने हो जाएंगे 9000, ठीक है। क्या सर इसको कैलकुलेट करने का कोई और तरीका भी है? हाँ, एक तरीका और है। सबसे पहले देखो कि टोटल कितना लेना है, तो मुझे टोटल जो लेना था वो लेना था 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज, 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज 10,000, ठीक है। इसमें से कॉल सीन एरियर्स माइनस कर दो। एरियर्स किसका है, ये चिंटू का, 200 शेयर पे इसने एक तो ये नहीं दिए, एक ये नहीं दिए, ये तो दिए थे पैसे देखो, बस ये नहीं दिए, तो 200 पे 5 कितना, 200 पे 5 1000 रुपीज का एरियर हो गया, ये माइनस कर दिया तो 9000 रुपीज मिल गए। एरियर बेसिकली क्या होता है याद रखना, जो पैसा नहीं मिलता, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया पार का क्वेश्चन। अब सर एक क्वेश्चन और बढ़िया सा देखते हैं इस केस में। देखो एज्यूम करो कि कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे हुए थे, 10 रुपीज का एक, 3232 ऐसे करे हुए थे, ठीक है। कंपनी के पास एप्लीकेशन आया, लेट सपोज 1200 शेयर्स के लिए, कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 1200 शेयर्स के लिए। अब कंपनी ने 1200 को 1000 प्रो राटा करावा है, ये साउदर्न इंडिया सवाल है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसको ध्यान से सीख लेना, ठीक है। कल ही पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ध्यान से देखना। 1000 शेयर्स थे और 10 रुपीज का एक था, प्रो राटा करा था कंपनी ने, कंपनी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया था, ठीक है। अब एज्यूम कर लो कि ये एक ही इंसान है या दो लोग हैं या जो भी है, एज्यूम कर लो कि ये एक कैटेगरी है, ठीक है। इनके इन्होंने कहा कि मुझे 1200 शेयर दे दो, कंपनी ने कहा 1200 तो नहीं है हमारे पास, 1000 है, हम आपको 1000 दे सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने 1200 को 1000 दिए। अब क्या होता है कि इस 1200 में से एक छोटा शेयर होल्डर है, छोटा चिंटू है, चिंटू का बेटा, जिसने अप्लाई करा था 120 शेयर्स के लिए, ठीक है। देखो क्या लिखा होगा, जिसने अप्लाई करा था 120 शेयर्स के लिए और उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये तीन चीजें नहीं दी, तो आपको बताना है सवाल में कि कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा, आपको बताना है कि कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा। तो यहां पे बच्चे क्या गलती करके आते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत सिंपल है, 120 शेयर्स हैं उसके पास और मल्टीप्लाइड बाय ये अमाउंट, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो 3, 4, 5, 6, 7 120 × 7 कर दो, वो एरियर है। पहली बात ये गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा, बेटा ये तो अप्लाइड है, ये तो उसने अप्लाई करे थे, ये उसको अलॉट थोड़ी ना हुए, उसको मिले थोड़ी ना है। देखो अप्लाई अगर आप 1200 करते हो तो आपको अलॉट 1000 होते हैं, यानी कि अगर मैं 0 से 0 हटा दूं तो ये क्या 12:10 वाला हिसाब किताब है कि अगर आप अप्लाई करते हो 12 तो आपको 10 मिलते हैं, अप्लाई करोगे 12 तो कितने मिलेंगे 10। अब अगर आपने अप्लाई करे हैं 120 तो आपको अलॉट कितने हुए होंगे, अगर आपने अप्लाई करे हैं 120 तो आपको अलॉट कितने होंगे, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो बेसिकली आपको अलॉट हो जाएंगे 100, अलॉट कितने हो जाएंगे 100। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे सर, फिर वो बोलेंगे अच्छा इसके पास, अगर इसके पास अलॉट हुए हैं 100 शेयर्स तो इसने 100 शेयर्स पे क्या क्या नहीं दिया, 3 to 5 to 7, सर 700 आंसर होगा क्या, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। है ये क्यों गलत होगा सर, देखो दिमाग से सोचो, इसने अप्लाई करा था 120 के लिए और मिले 100, अगर इसने अप्लाई 120 के लिए करा होगा तो इसने 120 पे 3 रुपीज भेजे होंगे ना एप्लीकेशन, तो 3 रुपीज का, सपोज मैं हूं, मैंने बोला कि यार मुझे 120 शेयर चाहिए, 120 पे 3, मैंने 360 रुपीज भेज दिए। कंपनी ने बोला कि 120 तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ कितने शेयर्स हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 100 शेयर्स हैं और हमें आपसे सिर्फ कितना पैसा चाहिए 300, आपके 60 रुपीज एक्स्ट्रा हैं। मैंने कहा हाँ यार 60 रुपीज तो एक्स्ट्रा है मेरे, मैंने कहा आप रख लो, आप
अलॉटमेंट पे इसको एडजस्ट कर देना। कंपनी ने बोला चलो ठीक है। अब कंपनी ने मेरे से अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा, 100 × 2, यानी कंपनी ने मेरे से मांगे 200 रुपीज। मैंने कहा 60 तो ये एडजस्ट कर दो, अब बताओ कितने देने हैं। कंपनी ने बोला 140 देने हैं। अब मैंने कहा यार मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं तो ये नहीं दे पाऊंगा, ये तो नहीं दे पाया। तो यहाँ पे कितने रुपीस का एरियर हो गया, 140 का। यहाँ पे 200 का एरियर नहीं है, यहाँ 140 का एरियर है, क्योंकि ये 60 पहले वाला भी तो एडजस्ट करना है ना। तो एरियर हो गया मेरे पास कितने का, बेसिकली 140 रुपीस का। बस अब तो सारा एक्स्ट्रा एडजस्ट हो चुका है, बाकी आगे वाला अगले महीने कंपनी ने फिर मांगे 100 × 300 में, वो भी नहीं दे पाया ये एरियर। फिर 100 × 2 में, वो भी नहीं दे पाया 200, ये भी एरियर। तो बेसिकली जो टोटल एरियर है वो है 640। कॉल सिनेरियर जो है वो आ जाएगा 640 रुपीस, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये हो जाता है हमारे पास जब एक्स्ट्रा प्रो राटा पे एरियर वाला क्वेश्चन हो, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बस ये चेक कर लो कि एप्लीकेशन पे भाई जब प्रो राटा हुआ हुआ है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आया हुआ होगा ना, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है। सपोज करो कि 1000 शेयर्स हैं और इशू करे गए थे 10 रुपीज में, 3232 ऐसा। इसमें एक शेयर होल्डर है चिंटू, एक शेयर होल्डर है चिंटू, इसने ये दिया ये दिया, ये दोनों नहीं दे पाया, ना ये दिया ना ये दिया, ये हो गया इसका कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कंपनी इसको वार्निंग देती रहती है, वार्निंग देती रहती है, वार्निंग देती रहती है। लास्ट वार्निंग देती है कंपनी, बोलती है भाई पैसा दे दो, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। हम आपके, आपके पास 100 शेयर्स हैं, हम आपके ये 100 के 100 शेयर जीरो कर देंगे, हम बोल देंगे हमारे पास आपका कोई भी शेयर नहीं है अगर आपने अब पैसा नहीं दिया। तो ये अब भी नहीं दे पाया, तो कंपनी बोलती है कि ठीक है अब हम आपके शेयर्स को फॉरफीट कर देंगे। फॉरफीट करने का मतलब होता है कैंसिल कर देना। फॉरफीट करने का क्या मतलब होता है, कैंसिल कर देना। तो कंपनी बोलेगी हमने आपके शेयर कैंसिल कर दिए, आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो आज से। चिंटू ने बोला चलो ठीक है मैं आपका शेयर होल्डर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने 100 शेयर पे ये जो 5 रुपए दिए हैं, चलो ये तो मैं नहीं दे पाया, ये मैं नहीं दे पाया, लेकिन ये तो दिए, तो 100 पे 500 जो दिए हैं ये मेरे वापस कर दो भाई। जब मैं आपका शेयर होल्डर ही नहीं हूं तो आप पैसा किस बात का ले रहे हो मेरे से। कंपनी ने बोला नहीं, ये भी हम आपको वापस नहीं करेंगे, ये आपको रिटर्न नहीं करा जाएगा। तो कंपनी को ये 5 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है, कंपनी को 5 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। और इस प्रॉफिट को कंपनी कौन से अकाउंट में डालती है, याद रखना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कौन से अकाउंट में डालती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो आपसे कई क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि एरियर हुआ, एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया, तो उस सिनेरियो में शेयर फॉर फ्यूचर कितना। सर शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है, वो पैसा जो कंपनी जब्त कर लेती है, जो कंपनी मार लेती है शेयर होल्डर का, बोलती है मैं नहीं दूंगी पैसा, तो हमने रख लिया, पैसा वापस नहीं मिलेगा, ओके। अच्छा सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, देखो बड़ा आसान सा जर्नल एंट्री है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आएगा। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट में क्या आता है, जितना पैसा मांगा, टू कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला, टू शेयर फॉर फ्यूचर जो मिल गया। सीधी सीधी बात, ये कौन सा है, जितना पैसा मांगा, कैसे लिखते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता यार, जितना पैसा मांगा, ये जो नहीं मिला, और ये जो मिला, ये जो मिला है ना, ये आप बैलेंस में निकाल लिया करो, ठीक है। अच्छा कंपनी ने चिंटू से कितना पैसा मांगा होगा, 100 रुपए पे 3 यहां 2 यहां 3 यहां 2 यहां, तो सारा पैसा मांग लिया, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। 100 shares into called up, called up कितना है पूरा 10, 1000 रुपीज मांगे होंगे। कॉल सिनेरियो जो नहीं मिला, ये 5 रुपीज नहीं मिले, 100 पे 5, 500, जो मिल गया 500, ये कंपनी का प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, कंपनी का प्रॉफिट। और ये कौन से अकाउंट में जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर, लिख दिया ना मैंने शेयर फॉर फ्यूचर। लेकिन इसमें सर क्या कोई और केस भी बनता है, हाँ आ जाओ एक केस और जल्दी से देखो, ऐसा केस पक्का आएगा शेयर फॉर फ्यूचर वाला, ठीक है। केस क्या बनता है सर, देखो इस बार 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का शेयर, 3232, लेकिन इस बार ये 12 में इशू था, कितने रुपए में इशू था, 12 में, 2 रुपए प्रीमियम के थे, तो ये जो प्रीमियम है कंपनी ने यहीं पे रखा हुआ था 2 रुपीज। अब चिंटू के पास कितने शेयर है सर, चिंटू के पास वही 100 शेयर है, इसने ये दिया ये दिया, ये दोनों नहीं दिए, ये दोनों नहीं दिए, तो सर कंपनी को फिर से वही बात, कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला,
याद रखना बेटा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो प्रीमियम होता है, ये जो 2 रुपीज है, अगर मिल गया तो कंपनी इस पैसे का नाम भी नहीं लेगी, कंपनी भूल जाएगी, कहेगी ये तो हमारी गुडविल का पैसा है, ये कोई कैपिटल का पैसा थोड़ी ना था, ये तो 2 रुपए हमने एक्स्ट्रा मांगे थे अपनी इज्जत के, गुडविल के, इसका कोई मतलब नहीं है, हमने जो तुम्हारे से पैसे मांगे थे वो ये 10 ही मांगे थे एक्चुअली, ये 2 तो हमारी रेपुटेशन के हैं, इसकी क्यों बात करते हो, ये नहीं हमने तुम्हारे मारे, हमने तुम्हारा कितना पैसा मारा, सिर्फ और सिर्फ ये पांच। तो अगर प्रीमियम मिल गया तो कंपनी प्रीमियम को भूल जाएगी, एंट्री में नाम भी नहीं लेगी, बिल्कुल भूल जाएगी। तो सर एंट्री क्या करेगी, देखो सेम एंट्री होगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, जितना पैसा मांगा 100 शेयर पे बस ये 10, प्रीमियम को भूल जाना है, मिल गया तो भूल जाओ, ठीक है, 100 पे 10,000, जो नहीं मिला 100 पे ये 5, कितना 500, तो मिला कितना सर, देखो एक्चुअल में तो 7 मिला था लेकिन इसको कंपनी भूल जाती है, इसीलिए बोला ये बैलेंस में निकालना 500, सेम एंट्री हुई जबकि ये 10 वाला 12 में था। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीमियम मिल गया तो कंपनी उसका नाम भी नहीं लेगी। सर अगर प्रीमियम ना मिला फिर आ जाओ तीसरा केस, 1000 शेयर्स 10+2 3 2+2 3 2, चिंटू के पास 100 शेयर्स हैं, चिंटू ने ये दिया और ये तीनों नहीं दे पाया, अब कंपनी फूट फूट के रोएगी, बाढ़ आ जाएगी पूरे देश में, पूरा रोएगी कंपनी, बोलेगी डबल नुकसान, हमारे एक तो इसने ये पैसे नहीं दिए 7 रुपीज और एक हमारे ये भी पैसे नहीं दिए 2 रुपीज, मतलब अगर कंपनी इतनी चालाक है कि अगर पैसा मिल गया तो उसको भूल जाएगी, नहीं मिला तो रोती रहेगी, चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वन मार्कर के लिए याद रखना, शेयर कैपिटल डेबिट, रोने का मतलब प्रीमियम को डेबिट करना, याद रखना ये क्वेश्चन फॉर फ्यूचर वाले पक्का एग्जाम में आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, यहां पे प्रीमियम को डेबिट कर दो एक्स्ट्रा, बस जितना मांगा उसमें प्रीमियम भी लिखना है बस, है ना, जो नहीं मिला कॉल इन एरियर्स और जो मिल गया शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। देखो कितना मांगा 100 शेयर्स पे, बेटा 1000 पे मत कर देना, 1000 तो टोटल थे, हम बस चिंटू की बात कर रहे हैं जिसने पैसा नहीं दिया, ठीक है, 100 शेयर पे टोटल जो मांगा, टोटल कितना मांगा, आप बोलना ये सारा पैसा मांग लिया था कंपनी ने, भाई मांग तो सारा लिया था, 3 3 6 2 8 2 10, 100 पे 10 1000, 100 पे प्रीमियम कितने रुपीज का, 2 रुपीज का, है ना, 100 पे 2 कितना, 200 का प्रीमियम। अब एरियर कितना है जी, एरियर कंपनी बोलती है 4 रुपीज तो यहाँ है, देखो जब मिल गया था तो बोलती थी ये 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन नहीं मिला तो इसको याद रखेगी कि 4 रुपीज तो यहाँ है, 100 × 4 = 400, 100 × 3 = 300, 100 × 2 = 200, तो 900 का कंपनी बोलेगी एरियर है, 1200 - 900 = 300, इसका मतलब ये जो नहीं मिला और ये जो मिल गया, ठीक है, ये मैंने बैलेंस में निकाला, ये हमने हमेशा निकालना है बैलेंस में, ओके। अब देखो 1200 - 900 = 300, ठीक हो गया। अब देखो एक्चुअल में 100 × 3 तो मिले थे, ये 300 आया नहीं आया, सही हो गया, ये बात याद रखना, ओके। तो ये होता है फॉर फ्यूचर के 3 केस, कौन कौन से सर, अगर 10 वाला 10 में हो, अगर 10 वाला 12 में हो और प्रीमियम मिल गया हो भूल जाओ, 10 वाला 12 में हो प्रीमियम ना मिला हो तो रोना है, याद रखोगे। अच्छा अब कंपनी क्या करती है बेटा जी, कंपनी कम पैसों में तो काम चलाएगी नहीं, 500 रुपए तो ये रख लिए लेकिन कम पैसों में काम नहीं चलाएगी, कंपनी क्या करती है, कंपनी इन शेयर्स को दोबारा से रीइशू करती है, इन शेयर को दोबारा से, कितने शेयर है 100 शेयर चिंटू के, कंपनी बोलेगी हम इन 100 शेयर्स को फिर से रीइशू करेंगे। ये 100 शेयर्स कितने तरीके से रीइशू हो सकते हैं, 3 तरीके से, या तो 10 वाला 10 में ही, अब याद रखना आप तोड़ तोड़ के पैसा नहीं लेगी, रीइशू में एक ही बारी में ले लेती है, 10 वाला 10 में, या फिर 10 वाला 12 में अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हुई तो ज्यादा में भी, या फिर 10 वाला 8 में, रेपुटेशन खराब हुई तो कम में, ठीक है। यानी कि पहले इशू नहीं हो सकता था कम में लेकिन रीइशू हो सकता है, बहुत बढ़िया सर। अब जल्दी से बता दो रीइशू की क्या एंट्री है, देखो अगर 10 वाला 10 में हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पूरे के पूरे 100 × 10, याद रखना 1000 1000। अगर 10 वाला 12 में हुआ तो एक्स्ट्रा यानी कंपनी का फायदा, बैंक टू शेयर कैपिटल फायदा यानी क्रेडिट, प्रीमियम को क्रेडिट करना है,
प्रीमियम डेबिट सिर्फ कब होता है जब पैसा मर गया हो, बाकी हमेशा क्रेडिट, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, 10 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के, टोटल 12 मिलेंगे। 100 × 12 = 1200। 10 वाला अगर 8 में है तो बैंक डेबिट, जो नुकसान हुआ है 10 वाला 8 में है तो वो नुकसान कहां से लेती है कंपनी, शेयर फॉरफीचर में से। देखो जब फॉरफिट करे तो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, वो जो उसके 500 रुपए मारे थे, कौन से वाले सर, ये वाले, ये जो 500 उसके बचा लिए थे, जो इसने दे दिए थे, इसमें से डिस्काउंट दे देती है कि चलो ठीक है 500 रुपए का प्रॉफिट था, अगर 200 का डिस्काउंट दे भी दिया तब भी तो 300 फायदे में ही है। तो कंपनी क्या करती है, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला 8 में है तो 10 की जगह 8 मिलेंगे और यहां 2, तो 10 की जगह 8, 100 × 8 = 800, 200 और 1000। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे 10 रुपए का शेयर था, पूरा 10 में ही इशू कर दिया, तो कंपनी को वो जो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था पूरा का पूरा कंपनी का। यहां पे 10 वाला 12 में करा, इवन और एक्स्ट्रा में करा, तो वो जो 500 का प्रॉफिट हुआ था पूरा का पूरा कंपनी का। लेकिन यहां पे 10 वाला 8 में करा तो कंपनी को 200 का नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट अब 500 नहीं बचा, 500 में से 200 का लॉस, तो प्रॉफिट बचा 300। प्रॉफिट कितना बचा, 300। तो इस सिनेरियो में आप जितना भी प्रॉफिट बचता है रीइशू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, जितना भी प्रॉफिट बचता है कहां ट्रांसफर करते हो, कैपिटल रिजर्व में। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व पूरा का पूरा 500, क्योंकि यहां तो 10 वाला फिर से 10 में कर दिया तो वो 500 अपना ही है, 10 वाला 12 में कर दिया तब भी सेम एंट्री, कौन सी वाली, यही वाली, क्योंकि 500 अपना ही है। लेकिन इस बार 200 का नुकसान हुआ था यहां पे, अगर 10 वाला 8 में करा तो 200 का नुकसान भी हुआ सर, 200 का अगर नुकसान हो गया तो बेसिकली अब 300 बचा, तो ट्रांसफर कितना होगा, ट्रांसफर होगा। यानी कि याद रखना, आपसे पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा, जितना पैसा आपके पास आ गया था, जो बच गया था, उसमें से जो डिस्काउंट दिया वो माइनस करके बाकी ट्रांसफर कर देना। सर इसमें क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आता है, देखो टॉपिक खत्म, शेयर्स खत्म, सारा चैप्टर में से तुम्हारे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछेगा। एक अलग क्वेश्चन देखते हैं, 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक है, 2 रुपीज एक्स्ट्रा, 3 2 + 2 3 2। ठीक है, इसमें से एक शेयर होल्डर है चिंटू जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने ये दिया ये दिया, ये दोनों नहीं दिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे सर, कैसे एंट्री पास करोगे, सर शेयर कैपिटल डेबिट जितना पैसा मांगा टू कॉल सिनेरियर्स, जो पैसा हम लोग को नहीं मिला, एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर, जो मिल गया, आप लोग ओरली भी निकाल सकते थे कि सर कितना पैसा मिल गया होगा, देखो ये 5 रुपीज मिल गए होंगे। प्रीमियम क्या चीज है, मिल गया तो भूल जाओ, ना मिला तो रोना है। ठीक है, तो 200 पे ये बेसिकली मैं ओरली बता सकता हूँ आपको, 200 पे ये 5 रुपीज, 5 × 200, 1000 रुपीज ये मिल गए, और ये 5 नहीं मिले, 5 × 200 1000 रुपीज का ये एरियर है। ठीक है, अगर वैसे लिखना हो मुझे यहाँ पे, तो 200 × जितना भी पैसा टोटल मांग लिया, 10 2000, एरियर कितना 1000, बाकी बैलेंस 1000। ठीक है, ये हम लोग फॉरफिट करते हैं, तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है, दिस इज माय प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कितने शेयर्स पे है, प्रॉफिट है इन शेयर्स पे। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इनको रीइशू करते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी ने इस बार पूरे रीइशू नहीं करे, कंपनी ने रीइशू करे इसका आधा, रीइशू करे बस 100 शेयर्स, रीइशू करे बस 100 शेयर्स। और आगे क्या लिखा है, ऐसे लिखा है 100 एज फुली पेड फॉर ₹9, फुली पेड फॉर ₹9। फुली पेड का मतलब, जहां पे ये शब्द आ जाए, फुली पेड का मतलब 10 वाला 9 में। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता 9 paid for 8, इसका मतलब था 9 वाला 8 में। ऐसा लिखा होता 8 paid for 6, इसका मतलब 8 वाला 6 में। फुली पेड का मतलब जितने का शेयर है वो पूरे वाला इतने में। ठीक है, तो 10 वाला अगर 9 में रीइशू हुआ और 100 शेयर रीइशू हुए, तो ये जो प्रॉफिट था बच्चों, ये जो प्रॉफिट था ये तो 200 शेयर्स पे था चिंटू के, हमने रीइशू करे जस्ट हाफ, जस्ट आधे। तो बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये रीइशू की एंट्री होती है। 10 वाला 9 में 1 रुपए का नुकसान है, वो भी डेबिट करो, कहां से लोगे, शेयर फॉर फ्यूचर से।
100 into 9, 900, 100 into 1, 100, 100 into 10, 1000, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में जो बैलेंस ट्रांसफर करना होता है ना, यहाँ गलती हो जाती है, बच्चे करते हैं शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना सर 1000 में से ये 100 हटा दो, ट्रांसफर कर दो 900, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने 1000 में से 100 हटा के 900 ट्रांसफर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। सर क्या गलती है इसमें, देखो बेटा ये जो प्रॉफिट है ना ये तो 200 शेयर का है और आपने रीइशू सिर्फ कितने करे हैं 100, जब आपने रीइशू आधे करे हैं तो आपको प्रॉफिट भी आधा ही यूज करने का अधिकार है ना। आपने अगर आधे रीइशू करे हैं तो प्रॉफिट भी तो आधा ही यूज करोगे, तो बेसिकली 1000 का आधा कितना बन जाएगा 500 रुपीज का प्रॉफिट बनेगा। 500 में से 100 यूज हुआ तो हम यहाँ पे कितना ट्रांसफर करेंगे 400, 500 में से 100 यूज होगा हम ट्रांसफर करेंगे 400। सर 500 निकालने कोई टेक्निक, ये तो आधा था, आसान हो गया। देखो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, 200 शेयर पे अगर प्रॉफिट है 1000 रुपीज का तो एक पे कितना है 1000 डिवाइडेड बाय 200, तो बेसिकली मेरे पास 100 शेयर पे कितना है 1000 अपॉन 200 इंटू 100 500 आ गया, नहीं आ गया। सर कोई फॉर्मूला भी बन सकता है क्या? हाँ यार, अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है तो फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लो, प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स, रीइशूड पे पहले कितना प्रॉफिट हुआ है हमारे पास, फिर डिस्काउंट माइनस कर देना। सबसे पहले लिख लेना आप टोटल प्रॉफिट अपॉन शेयर फॉरफिटेड इंटू शेयर रीइशूड, बस। देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, टोटल प्रॉफिट हुआ था सर 1000 रुपीज का, फॉरफिट कितने करे थे 200, रीइशू कितने करे 100, बस सीधा सीधा आंसर, ठीक है या नहीं है। तो ट्रांसफर 500 में से 100 यूटिलाइज करके बस 400 ट्रांसफर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा है ना, और रीइशू की क्या एंट्री बनेगी, रीइशू किस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, कोई भी कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देगी। देखो यार कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कोई भी कंपनी अपनी जेब से नहीं देगी, तो कंपनी क्या बोलेगी जितना हमें फायदा हुआ उतना दे देंगे। फायदा कितना होता है, जितना कंपनी ने जब्त करा है, जितना कंपनी ने पैसा मारा है वो फायदा है। अब देखो कंपनी को 5 रुपीज यहाँ पे कंपनी को बचे हैं एक शेयर पे, तो कंपनी जब रीइशू करेगी तो 10 वाला मैक्सिमम 9 में 8 में 7 में 6 में 5 में यहां तक कर सकती है, इससे ज्यादा में नहीं करेगी। क्योंकि अगर 10 वाला 4 में कर दिया, अगर 10 वाला 4 में कर दिया तो कंपनी को 6 रुपए का लॉस है और प्रॉफिट तो सिर्फ 5 रुपीज का हुआ था, तो ये तो जेब से देना पड़ेगा, नहीं मानेगी, नहीं करेगी। तो याद रखना मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ ले तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा, जितना कंपनी ने यहाँ पे फॉरफिट के टाइम पे बचाया है ये होता है, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो और देख लो और आपका पूरा इशू ऑफ शेयर्स हो जाएगा रिवाइज। वो क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कोई एसेट वैसेट खरीदते हैं और उस एसेट के बदले में पैसा ना देके शेयर्स दे देते हैं। कंपनी ने कोई मशीन ली, बिल्डिंग लिया, प्लांट लिया और उसमें पैसा ना देके क्या दे दिया, एसेट दे दिए, तो वहां क्या एंट्री बनती है, वहां एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर कौन होता है जिससे आपने सामान खरीदा है, उसके बाद वेंडर डेबिट, अगर है शेयर पार पे तो शेयर कैपिटल बात खत्म, लेकिन अगर है प्रीमियम पे तो आपको यहाँ पे लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। बस ये दो एंट्री याद रखना, एसेट डेबिट टू वेंडर और वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर इसके दोनों केसेस के एग्जांपल दे दो ना, एक एक आओ जी एग्जांपल देते हैं आपको। हमने सबसे पहले वेंडर से लेट सपोज अज्यूम कर लो कि 10 लाख रुपीज की मशीन खरीदी, अज्यूम कर लो 10 लाख रुपीज की मशीन खरीदी, तो मैं एंट्री करूंगा सबसे पहले मशीन डेबिट टू वेंडर 10 लाख 10 लाख, आगे लिखा होगा द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, जो पेमेंट है वो 10 रुपए के शेयर में एक शेयर में कर दी गई है, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी, सीधा सीधा एंट्री कर देना वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 10 लाख 10 लाख, ठीक है। शेयर था 10 रुपीज का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड, तो 10 लाख अपॉन 10 आंसर आ जाएगा 1 लाख शेयर्स आर इशूड, 1 लाख शेयर्स इशू हो जाएंगे।
अच्छा जी सर, अगर यही क्वेश्चन हो प्रीमियम पे, सपोज ऐसा लिखा हुआ कि मशीन खरीदी है 10 लाख रुपीज की, मशीन डेबिट टू वेंडर 10 लाख 10 लाख, और आगे लिखा हो पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। सपोज ऐसा लिखा हुआ कि जो पेमेंट है वो शेयर्स इशू करे गए हैं कितने रुपए वाला, 10 रुपए का 25% के प्रीमियम पे। सर फिर क्या करना है? तो पहले तो एंट्री लिख लो, एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब वेंडर में तो सर 10 लाख आ जाएगा, लेकिन यहां कितना ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपली है। देखो 10 वाला 25% के प्रीमियम पे है, तो 10 वाला 25% का प्रीमियम यानी 2.5, 12.5 में हो गया। ठीक है, तो 10 रुपीज यहां रख दो, 2.5 रुपीज यहां रख दो, 10 वाला 2.5 एक्स्ट्रा पे। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। सर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं? अमाउंट पेबल, जितना भी आपको अमाउंट देना है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। हमेशा याद रखना, जब भी प्रीमियम पे शेयर दिए गए हैं तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने ही निकालने हैं। अमाउंट पेबल कितना है इसको? 10 लाख रुपीज। और वैल्यू ऑफ शेयर हमने कितना निकाला? वैल्यू कितने का है? 10 वाला ढाई ढाई ऊपर पे, तो 12.5। 10 लाख डिवाइड बाय 12.5, 10 लाख डिवाइड बाय 12.5, वैल्यू आ गया 80,000 शेयर्स। कितने शेयर्स आ गए? 80,000 शेयर्स आ गए ना, देखो 80,000 शेयर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 80,000 इंटू 10 और 80,000 इंटू 2.5, 80,000 इंटू 10 8 लाख यहाँ आ जाएगा और 80,000 इंटू 2.5 2 लाख यहाँ आ जाएगा। तो बस सिंपली याद रखना, बस वेंडर में वही जितने की भी मशीन है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख, वेंडर में वही। नीचे ये दो चीज़ें आएंगी, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सपोज 10 वाला 15 में हुआ तो 10 + 5 = 15, यहाँ 15 से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करना है बस आपको इन वैल्यूज में। ठीक है, एक इसमें लास्ट केस और होता है, अगर आपने रनिंग बिजनेस खरीद लिया, अगर आपने रनिंग बिजनेस खरीदा, चलता चलाया बिजनेस। तो देखो यार, अगर चलता चलाया बिजनेस खरीदा तो उसके अंदर तो एसेट्स भी होंगी, लाइबिलिटीज भी होंगी। तो सपोज आपको एसेट्स भी दी हुई है, लाइबिलिटीज भी दी हुई है, सभी एसेट को डेबिट कर देना, सभी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना। ठीक है, सपोज बिल्डिंग दिया हुआ है तो बिल्डिंग को डेबिट कर देना, बिल्डिंग डेबिट, लैंड डेबिट, डेटर डेबिट टू क्रेडिटर और टू वेंडर, वेंडर को वो जितना वादा हुआ है। ठीक है, सपोज ये है 10 लाख की, ये है 2 लाख की, ये है 8 लाख रुपीज़ की और ये है 2 लाख रुपीज़ की, ऐसा लिखा हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखो, 10, 8, 18 और 2, 20, इसके एसेट्स हुए बेटा जी 20 लाख रुपीज़ के और लाइबिलिटी हुई 2 लाख रुपीज़ की, एसेट 20 लाख के और लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज़ की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसका बिजनेस 18 लाख का बेटा? इसको बोलते हैं हम नेटवर्थ। इस बिजनेस की नेटवर्थ कैसे है? नेटवर्थ कैसे निकलती है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। इस बिजनेस की जो वैल्यू है वो है 20 - 2, दैट इज 18 लाख, 18 लाख रुपीज का ये बिजनेस है। ठीक है, हमने सौदा करा ये 15 लाख रुपीज में, हमने कहा यार हम तो 15 दे सकते हैं, लेना है तो बात करो नहीं तो छोड़ दो। तो 18 लाख के बिजनेस के वेंडर को मुझे 15 लाख रुपीज देने हैं, क्या मेरा 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है? हुआ या नहीं हुआ? प्रॉफिट अभी पढ़ के आए हो, कहाँ डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख दूंगा टू कैपिटल रिजर्व कितना? 3 लाख। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यार, बस सीधा सीधा आप इधर का टोटल करना बड़े वाली साइड का, इसमें से ये छोटे वाली साइड माइनस करना, अगर डिफरेंस इधर आया, यहाँ पे आया, क्रेडिट में आया, तो उसको लिख देना कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर सपोज ये वाली साइड बड़ी हो जाए, सपोज वो 18 लाख के 20 लाख मांगने लगे, अगर वो बोले कि नहीं यार 18 लाख नहीं, मैं तो कितने पैसे लूंगा? 20 लाख। अब तो ये नहीं आएगा, प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो इधर 22 हो गया और इधर 20 है, डेबिट में डिफरेंस आ गया, तो सर वो 18 के 20 क्यों मांग रहा है? 2 लाख एक्स्ट्रा किस चीज के मांग रहा है? गुडविल के। तो उस केस में आप यहां पे गुडविल डेबिट कर दोगे। बस ध्यान रखो, आपको एसेट और लाइबिलिटी प्लस कंसिडरेशन, ये वेंडर को जो अमाउंट देते हैं इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर में अगर डिफरेंस इधर आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, इधर आ रहा है तो गुडविल। ठीक है, अब वेंडर को कितना पैसा देना है आपने? सपोज यही 20 लाख देने हैं,
तो अब नीचे लिखा होगा कि शेयर दे दिए, तो बस वही सेम एंट्री, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल या फिर वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बेसिकली यही सारी एंट्रीज हो जाती हैं और यही सब आपको पढ़ना है इशू ऑफ शेयर्स में। दिस इज इट, यही इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसके अलावा इसके अंदर करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट वन मार्कर्स यहीं से मैक्सिमम बनने वाले हैं, तो इतना रिवाइज करो। इसके अलावा आपको अगर इसमें से कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने ऑलरेडी शेयर्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हो और आपका शेयर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद बैक एक्सरसाइज कर लेना अपनी बुक्स की कुछ, दिस इज डन, और आपको शेयर्स में कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो बस जल्दी से रिविजन करो, बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं तुम्हारे लिए, अभी इसी शाम को उन पॉइंट्स को ज़रूर देख के जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन।